एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपना टोटल आर्ट मटेरियल्स जो कि मेरे पास है। और गाइस, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि अपने आर्ट मटेरियल दिखाइए कि आप कौन से कंपनी की यूज़ करते हैं। और गाइस, मैंने अपना जितने भी मेरे पास कलर्स है वो सब मैंने निकाल के अपनी टेबल पर रख लिए हैं। और गाइस, इस वीडियो में आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाली हूँ कि कितने उसका प्राइस है और आपको कहाँ से परचेज करने चाहिए। तो गाइस, वीडियो अगर ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है तो मैं पार्ट वन और पार्ट टू में अपलोड कर दूँगी। और गाइस, जैसा भी होगा मैं एक पोस्ट डाल दूँगी, आप लोग पोस्ट देख लीजिएगा। सो गाइस, अगर वीडियो शॉर्ट होती है तो पार्ट वन में ही वीडियो आ जाएगी, और अगर वीडियो लॉन्ग होती है तो दो पार्ट में आएगी वीडियो। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जब आप देख लें तो लाइक करना मत भूलिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। एंड गाइस, आपको मुझसे जो कुछ भी पूछना है तो आप इस वीडियो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई जरूर करती हूँ। एंड गाइस, चलते हैं वीडियो करते हैं। अपनी टेबल पे मेरे पास जितने भी गाइस कलर्स वगैरह हैं, जितने भी आर्ट के मटेरियल्स हैं, वो सब मैंने निकाल के यहाँ पर रख लिया है। एंड गाइस, इसमें बस मैंने ब्रश नहीं रखा। अगर आपको ब्रश की अलग से एक वीडियो चाहिए पेंटिंग ब्रश की, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी पेंटिंग ब्रश की। बट गाइस, मैंने इसमें ब्रश अपने ऐड नहीं करे हैं। इसमें गाइस सिर्फ हैं तो टोटली कलर्स हैं मेरे पास, मैं कौन से कलर्स को यूज़ करती हूँ ड्राइंग पेंटिंग वगैरह बनाने में। तो चलते हैं गाइस, मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूँ गाइस, ये है डॉम्स के पेंसिल कलर। और गाइस, ये आपको 24 सेट्स में मिल जाएंगे। और ये गाइस मैंने परचेज़ करे थे 180 के, 180 रुपये के। और ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, आप देख सकते हैं। अब आप गाइस इसको परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी जने ये पूछते हैं कि डॉम्स के कैसे हैं, तो गाइस डॉम्स की क्वालिटी की कलर्स बहुत ही अच्छे हैं, तो आप उनको इजीली आप परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, इसमें आपको 28 शेड्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं इतने सारे शेड्स हैं इसमें। और गाइस, मैंने इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा है, और ये काफ़ी अच्छा ब्रांड भी है डॉम्स का, बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद गाइस, डॉम्स के मैंने ये परचेज़ करे थे, काफ़ी गाइस पुराने, बट मैं इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। गाइस 100 रुपीज़ के हैं प्लास्टिक के रेयॉन्स, और ये 28 शेड्स के आपको मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। और ये गाइस बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, और गाइस मैंने इनसे कम यूज़ करती हूँ, मैं इन्हें कम ड्राइंग। और इसमें आपको एक सिल्वर कलर भी मिल जाएगा, गोल्डन भी मिल जाएगा, और भी बहुत सारे कलर्स हैं। और उसके बाद गाइस, मैं जो मेरे पास सेकंड प्रोडक्ट है वो ये है। और ये गाइस फेविकल का मटेरियल कलर्स हैं, और ये गाइस आपको 100 रुपीज़ का मिल जाएगा मार्केट में। और गाइस, इसमें गोल्डन कलर्स हैं गाइस, ये वो वाले कलर्स हैं जो थोड़ा शाइनिंग मारते हैं, ये उसमें है कलर, बाकी ये हैं काफ़ी सारे हैं। और इसमें गाइस, अभी तक मैंने गोल्डन ही यूज़ करा, कोई यूज़ ही नहीं करा, तो ये है मेरे पास। ये भी गाइस बहुत पुराने कलर हैं। उसके बाद गाइस, मेरे पास डॉम्स के वाटर कलर ट्यूब्स हैं, और ये छोटा वाला पैक है मेरे पास, मैंने 50 रुपये का लिया था। इसमें गाइस आपको एक प्लेट मिलती है, कलर प्लेट, और एक ब्रश मिलता है, जो कि गाइस अभी मुझे पता नहीं है कहाँ पर है वो। तो कुछ इस तरीके की गाइस ट्यूब्स होते हैं इसमें, और ये काफ़ी अच्छे गाइस क्वालिटी के हैं। ये काफ़ी छोटा है, आप देख सकते हैं इतना छोटा ट्यूब आता है ये। और ये गाइस 50 रुपये में आपको मिल जाता है। अगर आप वाटर कलर से पेंटिंग करते हैं तो आपके लिए बेटर है, आप इनको इजीली गाइस परचेज़ भी कर सकते हैं, आपको 50 रुपये में मिल जाएगा मार्केट में। और इसमें 6 शेड्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद गए मेरे पास डॉम्स के हैं ये पोस्टर कलर। ये गाइस मुझे स्पॉन्सरशिप में मिले थे, डॉम्स ने मुझे भेजे थे ये। और कहीं इसकी वीडियो नहीं पड़ी है तो मैं आपको लिंक भी नहीं दे पाऊँगी। इसमें गाइस पोस्टर कलर है रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, वाइट एंड ब्लैक, तो ये है कुछ इस तरीके से। गाइस, ये आपको, अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो 90 रुपीज़ आए तो गाइस ये 90 रुपये में मिल जाएंगे डॉम्स के पोस्टर कलर, देख सकते हैं। और ये गाइस ये भी बहुत अच्छे हैं डॉम्स के पोस्टर कलर, और इन पे भी गाइस मैंने काफ़ी सारी इसको यूज़ करके ड्राइंग बनाई है। उसके बाद गाइस मेरे पास ये है फेविकल के शाइनिंग कलर्स हैं, ये कुछ इस तरीके के। ये भी गाइस आपको 100 रुपीज़ के मिल जाएंगे। इसमें गाइस शाइनिंग होता है थोड़ा, तो अच्छी लगती है ड्राइंग को शाइनिंग में अगर आप करना चाहें। और गाइस इसी में ये शाइनिंग वाले हैं, और ये मेरे पास हैं एक्रिकल कलर्स फेविकल के। और ये गाइस विदाउट शाइनिंग में हम देख सकते हैं,
इसमें गए ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, थोड़े से ही बचे हैं। तो ये है मेरे पास दो डिब्बा, मैंने इसको ले रखा है। और उसके बाद गाइस मैं आपको दिखाती हूँ ये। तो गाइस ये तो बहुत से लोगों को पता ही होगा, ये डॉम्स के स्केच मैक्स पेन है जैम्बो। और गाइस ये 200 रुपीज़ के पड़ते हैं, ये भी मुझे स्पॉन्सरशिप में मिले थे। और इसमें गाइस काफ़ी अच्छे मार्कर हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए भाई इनको यूज़ मैंने मीन्स अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं इनको डेली यूज़ करती हूँ किसी ना किसी में। तो ये बहुत ही अच्छे मार्कर हैं, आप देख सकते हैं। भाई इसकी प्राइस तो मैंने आपको बता दिया 200 रुपये। और इसमें शेड्स आपको 12 शेड्स मिल जाएंगे, देखिए। भाई ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको भी मैं यूज़ करती हूँ। तो एक ये है मेरे पास, और गाइस मेरे पास है ये ऑयल पेस्टल कलर कैमल के। और गाइस ये मैंने फर्स्ट टाइम खरीदे थे, और इससे गाइस मैंने एक ड्राइंग बनाई थी, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है, वो खो चुकी है गाइस। तो गाइस मेरा इससे फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और अगर गाइस आप स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी ड्राइंग के लिए, तो आप सस्ते से सस्ते कलर्स भी ले सकते हैं, उससे बनाइए। इसमें गाइस कैमल में 50 रुपये का है, 15 सेट्स मिल जाते हैं आपको। क्वालिटी भी है बहुत अच्छी, आप देख सकते हैं। इसमें आपको क्रीम कलर भी मिलता है जो स्किन के लिए। और इसमें आपको एक 1 पेंसिल भी मिलती है, तो आप पेंसिल भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे हैं गाइस कलर्स कैमल। उसके बाद गाइस जो कि हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, वो है हमारे पास ये। तो गाइस इसको तो मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि इसको मैं डेली यूज़ करती हूँ गाइस। ये और मेरे पास डॉम्स के आई होगा, या आपने भी बचपन में इसको काफ़ी यूज़ करा होगा। अगर यूज़ करा है तो यार इस बात पे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा अगर आपने यूज़ करा है तो। और गाइस ये डॉम्स के ही आपको मार्केट में 20 रुपीज़ के मिल जाएंगे लोकल स्टेशनरी शॉप पर, तो ये आप परचेज कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके के मेरे पास। उसके बाद गाइस मेरे पास ये मैंने आपको दिखाई थे कैमल के ऑयल पेस्टल कलर। उसके बाद गाइस मेरे पास एक ये है, ये भी मैंने परचेज करे थे 100 रुपीज़ के। ये भी डॉम्स के हैक्स ऑयल पेस्टल कलर्स हैं, और गाइस ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, आप देख सकते हैं। इसमें गाइस ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो चुका है, वाइट ख़त्म हो गया और ब्लैक भी ख़त्म ही हो चुका है। तो ये है मेरे पास गाइस, मैंने 100 रुपीज़ के परचेज करे थे, 12 शेड्स हैं। और ये भी गाइस बहुत ही अच्छा है, आप चाहे तो इसको और इसको दोनों को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद गाइस मेरे पास है ये आर्टिस्ट और पेस्टल कलर्स, और गाइस ये मैंने खरीदे थे 450 रुपये के खरीदे थे। इसमें आपको 36 शेड्स मिल जाते हैं, मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो गाइस बहुत ही सुंदर शेड्स है, और इसको मैंने गाइस इसको यूज़ करके काफ़ी सारी ड्राइंग भी बनाई है, और ये बहुत ही अच्छे हैं। आपको ये देखिए बहुत ही अच्छे हैं गाइस ये कलर्स, और 450 रुपये में मिल जाएंगे आपको अमेजोन पे भी, या फिर कहीं लोकल स्टेशनरी शॉप पे आप पूछ लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएंगे। तो गाइस एक ये है मेरे पास कैमल के शॉप पेस्टल कलर, और गाइस ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं इनको गाइस कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ अगर मैं इनको ज़्यादा यूज़ करूँगी तो ये ख़त्म हो सकते हैं, तो इसलिए मैं इनको कम ही यूज़ करती थी। मुझे बहुत ही पसंद है। उसके बाद गाइस लास्ट प्रोडक्ट है हमारे पास ये। ये गाइस मैंने परचेज करा था अभी लगभग गाइस हो गए होंगे मेरे को इसको परचेज करे 2 महीने। गाइस इसकी रिव्यू वीडियो भी मैंने अपने इसी चैनल पर डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, आप चेकआउट कर लीजिएगा। एंड गाइस ये मैंने 200 रुपये के परचेज करे थे, और जो मैंने आपको ये दिखाए थे डॉम्स के हेस्ट ऑयल पेस्टल कलर 12 शेड के, गाइस इसी के में सेम यही है, बट इसमें शेड ज़्यादा है, इसमें 25 शेड्स मिल जाते हैं। और गाइस का बॉक्स भी कुछ देखिए इतना अच्छा है बॉक्स, ये देखिए। गाइस की रिव्यू वीडियो मैंने डाल रखी है, आप चेकआउट कर लीजिएगा, ये देखिए। गाइस इसलिए मैंने इसको परचेज करे थे क्योंकि इसमें गाइस बहुत सारे मुझे शेड्स मिल जाते थे ड्राइंग के लिए करने के लिए। इसमें स्किन कलर भी है और भी काफ़ी सारे कलर्स हैं। एंड गाइस इसमें यह था कि 12 शेड्स में मुझे इतने सारे शेड्स नहीं मिल पा रहे थे, तो इसलिए मैंने ये वाला परचेज कर लिया था शेड्स को यूज़ करने के लिए। तो गाइस ये भी मुझे बहुत ही अच्छे लगे कलर्स, आप देख सकते हैं। तो गाइस मेरे पास कुछ यही है कलर्स बस, जो कि मैंने आपको सब दिखा दिया। एंड गाइस लास्ट कलर हमारे पास बचा है आपका हमारा फेवरेट आर्टिस्ट एक्रिलिक कलर। एंड गाइस ये मैंने परचेज करा था 600 का। वैसे तो जो इसकी MRP है वो 650 की है, बट मैंने इसको 600 का परचेज करा था अमेजोन से, और इसकी भी रिव्यू वीडियो मैंने डाल रखी है, लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी गाइस इसमें 12 शेड्स मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, और इसका गाइस ट्यूब भी बहुत ही अच्छा है। एक ट्यूब में गाइस आपको 20 ml मिलता है कलर, मैं आपको दिखा दूँ इसको खोल के। तो गाइस ये टाइट हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सूख जाते हैं ये इस चक्कर से, देखिए
गाइस देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है, ट्यूब देखिए है बहुत ही अच्छा है गाइस, ये आप इसको इजीली परचेज कर सकते हैं। अगर इनको यूज़ करके मैंने कृष्णा जी की पेंटिंग बनाई थी, बहुत ही अच्छे कलर्स हैं, आप देख सकते हैं आप इसे परचेज कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑनलाइन भी परचेज कर लीजिए या फिर किसी लोकल स्टेशनरी शॉप पे भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये देखिए सुबह ये भी बहुत अच्छे कलर्स हैं, कैमल के हैं गाइस, कैमल का जो ब्रांड है बहुत ही अच्छा ब्रांड है कैमल का, इसको इजली ले सकते हैं। सो गाइस कुछ यही कलर्स हैं मेरे पास और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सो गाइस ये कुछ कलर्स थे मेरे पास जो कि मैंने आपको सब दिखा दिए हैं ऑलमोस्ट, और इसके अलावा गाइस मेरे पास और कोई से कलर्स नहीं है, इन्हीं को यूज़ करके मैं ड्राइंग्स बनाती हूँ। ये जितने भी ड्राइंग्स आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं सब मैंने इन्हीं कलर्स को यूज़ करके बनाया है। और गाइस इसमें मैंने ब्रश ऐड नहीं करे थे पेंटिंग ब्रश की, मैं पेंटिंग ब्रश कौन से यूज़ करती हूँ। सो गाइस ये मैं सोच रही थी कि मैं कुछ एक अलग से वीडियो बना दूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि अगर पेंटिंग ब्रश के ऊपर मैं कौन से पेंटिंग ब्रश को यूज़ करती हूँ पेंटिंग्स बनाने के लिए, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा, मैं एक अलग से उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी पेंटिंग ब्रश की। और गाइज अगर आपको और कोई से भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो गाइज आप लोगों के कमेंट में बना दिया करूंगी। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इसमें से गाइज आपको कोई से भी कलर्स के अलग से रिव्यू चाहिए तो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। तो गाइज चलते हैं वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।